दोस्तों, आप अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो यह वीडियो को पूरा देखें। जिस तरह से बड़े बड़े लोग और बड़ी बड़ी कंपनीज बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रही है, इससे कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर हो जाती है कि बिटकॉइन फ्यूचर करेंसी है। फ्यूचर में बिटकॉइन का काफ़ी यूज़ होने वाला है। पिछले एक साल में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ी है। इसका प्राइस जहाँ 7 लाख के आसपास था, वहीं आज के डेट में 50 लाख को क्रॉस करके आया है। अगर बात करें कि इंडिया में बिटकॉइन लीगल है, तो हाँ, इंडिया में बिटकॉइन लीगल है। बाय करना, सेल करना, होल्ड करना इंडिया में लीगल है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं बना है जो कि बिटकॉइन बाय सेल होल्ड करने को इलीगल बताता हो। लेकिन इंडिया में बिटकॉइन खरीदने और बेचने के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। इसको सिर्फ बाय सेल और होल्ड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बिटकॉइन बेचने और ख़रीदने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। मार्केट में काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं जिनमें आप बिटकॉइन बाय सेल और होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आज के डेट में सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है कॉइन DCX गो। इसको मैं ऐसे ही बेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि कई सारे रीज़न हैं, जैसे कि रेटिंग प्ले स्टोर में आप चेक कर सकते हैं। दूसरे क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशन के मुकाबले इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है। कॉइन DCX गो काफ़ी सिंपल एप्लीकेशन है। कम से कम 100 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं और कम से कम 10 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। बिटकॉइन बाय और सेल करने पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगता आपको, और ये इंडिया में लीगल है। सो आज के इस वीडियो में आपको कॉइन DCX गो एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट करने से लेकर क्रिप्टो करेंसी बाय सेल करने तक का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको साइन अप पर क्लिक करना होगा। साइन अप पर क्लिक करते ही आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो डिटेल पूछा जाएगा वो सारा सब फिल कर देना है, आपका नाम, ईमेल आईडी और एक आपको पासवर्ड। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके मेल पर एक OTP जाएगा, OTP को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करते ही आप सक्सेसफुली ऐप पर रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आपको अपना KYC कंप्लीट कर लेना है। KYC कंप्लीट करने के लिए आपको अकाउंट सेक्शन में जाना है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड का फ़ोटो सबमिट करना और एक आपको अपना बैंक डिटेल। ये सारा प्रोसेस सबमिट करने के बाद 24 आवर में आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। KYC कंप्लीट होने के बाद आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो जैसे ही आप फर्स्ट ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ का रिवार्ड मिलेगा, जो कि 24 आवर में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें।